वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण में मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इक्का दुक्का जगहों से मतदान बहिष्कार की भी खबरें सामने आई है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण में दिग्गजों की साख दांव पर है, क्योंकि रायबरेली में भी मतदान हो रहा है, अमेठी में भी मतदान हो रहा है। तो रायबरेली में राहुल गांधी पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, उसके बाद उन्होंने मत्था टेका और मतदान करने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान आम जनता से लेकर प्रत्याशियों ने खास प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। मतदान तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हिंदुस्तान के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मैं तो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हूँ, प्रचार छोड़ करके मतदान करने वाला आया हूँ और यहीं से प्रचार में निकल रहा हूँ। अरे वोट नीचे करने आईडी बोल, सबसे महत्वपूर्ण मतदान हर व्यक्ति को, हर महिला, हर पुरुष को, जो भी मतदाता है उसको मतदान करना आपका दायित्व है। कृपया सब लोग अपना वोट जरूर डालें। और देखिए, हमने भी अपना डाला है, ये हमारा प्रमाण है, हमारे ADM साहब ने भी डाला है। कृपया सब लोग सुबह सुबह ही आकर के अपना वोट डाल लें, अपने बूथ जरूर अपना एपिक कार्ड लेकर के जाएं। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो जो 13 विकल्प सुझाए गए हैं माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उनमें से कोई भी एक विकल्प लेकर के आप जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में आधार कार्ड हो गया, आपका नरेगा जॉब कार्ड हो गया, या आपकी फ़ोटोयुक्त बैंक की पासबुक हो गई, तो ये सब आप लेकर के जाएँ और अपना मतदान अवश्य करें। जनपद में कुल 1404 मतदान केंद्रों पर वर्तमान में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं, प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस के माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की पुलिस की पार्टियां हैं, QRT मोबाइल्स हैं, क्लस्टर मोबाइल हैं, थाने की अतिरिक्त मोबाइलें हैं, थाना मोबाइल्स हैं, विभिन्न और अधिकारीगण हैं। सारे लोग लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा का उचित वातावरण तैयार किए हुए हैं और जैसा आप देख रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर पोलिंग प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। हमारे आदमी नहीं है, हमारे परिचित हैं, संबंध है, जब भी मिलते थे मैं उनका पैर छूता था, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, सबको दे रहे हैं। न्योता हकारी है, सुख दुख का आना जाना है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में तो कोई ना कोई लड़ेगा ना, तो चुनाव के कारण संबंध थोड़े समाप्त हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार? अब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। क्या नाम भैया, कहाँ से आए हैं? अनूप कुमार जी, मोहल्ला खंडेराव जालौन जी। आप लोग शादी के जोड़े में हैं और शादी की रस्में करते हुए यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या सोच कर मन में आए हैं? शादी तो हमारे लिए शादी तो हुई है, लेकिन वोट डालना हमारा पहला कर्तव्य है। पहले हम वोट डालेंगे, उसके बाद शादी की सारी रस्में करेंगे। मैंने अपना भी वोट डाला है और मैं जनपद के सभी संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो आए, निकल करके अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ आ करके और अपना वोट डालें, मतदान करें। अच्छा मौसम भी है, अभी काफ़ी अच्छा है, तो मैं अपील करता हूं पुनः सभी लोग निकलें घरों से और अपना मतदान करें। मैं आज मतदान का दिन है, 20 मई को अपने क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मैं सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से, अपने बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल करके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे पड़ोसियों के साथ एक उत्सव के रूप में निकलें और मतदान केंद्र पर जाकर के देश के लिए, देश को सही हाथों में सौंपने के लिए और देश के विकास के लिए और भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए सब लोग संकल्पित होकर के मतदान करें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। DGP अभिनव कुमार चारधाम यात्रा मार्ग पर पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए देहरादून से यात्रा मार्ग पर रवाना हुए। DGP ने सबसे पहले मुनिकीरेती के भद्रकाली पुलिस चौकी में पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं को देखा। भद्रकाली पुलिस चौकी पर बनाए गए चारधाम पंजीकरण चेकिंग केंद्र का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। जनपद टिहरी के एडिशनल SP GR जोशी और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी SP लोकजीत सिंह ने DGP से ट्रैफिक और अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर गहन चर्चा की। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा मार्ग पर नहीं भेजने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक की और चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को उनके पड़ाव पर रोकने के लिए निर्देश मिले हैं और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उन्हें बिल्कुल भी न रोका जाए। फिलहाल हरिद्वार में ऐसी स्थिति नहीं है। ऊपर के जनपदों में जैसे ही भीड़ का दबाव कम होगा वैसे ही यहाँ से यात्रियों को चारधाम के लिए रिलीज किया जाएगा। जैसे यात्री होंगे, तीर्थयात्री होंगे, उसी हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट रखना है और अनावश्यक किसी को रोकना नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बुकिंग है वो जा सकते हैं और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ये एक सामान्य एक दिशा निर्देश सबके लिए हमारी ओर से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि धामों में अगर भीड़ हो जाती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, तो अपने बुकिंग के हिसाब से ही चलें। बादराबाद के दादूपुर गोविंद में 3 कबाड़खानों के गोदामों में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हरिद्वार में बादराबाद के दादूपुर गोविंदपुर रिहायशी इलाके में बने कबाड़खानों के गोदामों में भीषण आग लग गई। एक बार फिर बड़ा हादसा होने से टल गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। एक ही जगह एक महीने में फिर दूसरी बार 3 कबाड़खानों में भीषण आग लगी है। हरिद्वार और सिडकुल दमकल विभाग यूनिट की 4 गाड़ियों के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हरिद्वार पुलिस की सतर्क निगाहों ने पशु तस्करों की वारदात को किया विफल। चेकिंग में मुस्तैद खड़ी हरिद्वार के थाना पथरी पुलिस को देख तस्करों के हौसले हुए पस्त। स्कॉर्पियो छोड़ मौके से भागे तस्करों की तलाश जारी। स्कॉर्पियो से 2 जीवित भैंस वंशीय पशु बरामद। सुबह चोरी की एप्लीकेशन लेकर थाने आए भैंस के मालिक हुए खुश। पशुओं के साथ ही कुर्ता पर पुलिस ने खुद वादी बनकर लिखा है मुकदमा। पशु तस्करों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने दर्ज किए गंभीर धाराओं में 3 मुकदमे। देहात क्षेत्र में हरिद्वार पथरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए चारधाम के मुख्य द्वार हरिद्वार से हरिद्वार पुलिस की कसरत भी लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस के कप्तान प्रवीण डोभाल के नेतृत्व में भरी गर्मी के बीच फील्ड में चारधाम यात्रियों के लिए सिद्ध से जुटे हरिद्वार पुलिस के जवान हरिद्वार जनपद विभिन्न चेक पोस्ट पर वाहनों को भी लगातार चेक कर रही है। जांच लगातार की जा रही है। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन, ग्रीन कार्ड के कागजात, बिना रजिस्ट्रेशन आ रहे वाहनों के लिए स्पष्ट फरमान भी जारी किया जा रहा है। हरिद्वार में मोहब्बत की बिसात पर बेवफाई और कत्ल का खूनी खेल। हरिद्वार पुलिस के कप्तान प्रवीण डोभाल की भगवानपुर पुलिस टीम ने सुलझाई गुमशुदगी की गुत्थी। कातिल बने मंगेतर को धर दबोचा। कप्तान के प्रखर नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस लगभग रोज कर रही नए खुलासे। कानूनी फंदे से बचने के लिए कथित मंगेतर ने आजमाई कई हथकंडे लेकिन रहा नाकाम। हरिद्वार पुलिस ने चालाकी को बेअसर कर दिया। अपराधियों के सर सामने फिर साबित हुई सवा शेर गुमशुदा युवती की तलाश में जुटी टीम ने अज्ञात शव बरामद कर लिया। युवती के परिजनों ने तस्दीक दी थी। आपको बता दें कि दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई थी। एम्स रोड पर एक युवक से बात करने के बहाने मोबाइल लूटकर फरार हुए कार सवार 3 आरोपियों को पुलिस और एसओजी देहात ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया। लूट में इस्तेमाल कार भी कब्जे में लेकर सीज कर दी गई है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अलग अलग जगह पर चेकिंग के दौरान नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से पुलिस ने 24 पेटी शराब बरामद की। शराब तस्करी में इस्तेमाल 2 बाइक और 1 कार पुलिस और आबकारी विभाग ने कब्जे में लेकर सीज कर दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह बिश ने बताया कि श्यामपुर में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को पुलिस ने रोका। तलाशी लेने पर बाइक सवार से पुलिस ने शराब बरामद की। आपको बता दें कि जिसकी पहचान अजय राठौर निवासी पथरी हरिद्वार के रूप में हुई है। दूसरी चेकिंग श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर हुई जहां पुलिस ने अनिल कुमार निवासी कलियर को बाइक पर शराब तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से पुलिस ने 4 पेटी शराब बरामद की है। आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा विश ने बताया कि रायवाला क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर टीम ने एक कार से 20 पेटी शराब तस्करी होते हुए पकड़ी है। पौड़ी जिले के रामलीला मैदान में आवाहन संस्था की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत विधायक राजकुमार पौड़ी और उनकी पत्नी सीमा पौड़ी द्वारा एक स्थानीय बुजुर्ग के साथ रिबन काटकर की गई। इस दौरान विधायक द्वारा भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कैंप में कराया गया। आवाहन संस्था के अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार से शुरू हुआ यह 2 दिवसीय शिविर पौड़ी की जनता निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगाया गया है जिसमें इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर्स के सहयोग से यहाँ पर आने वाले मरीजों को हर तरह की बीमारी की जाँच एक छत के नीचे मिल रही है।
जो भी संस्था इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, इन संस्थाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ऐसे कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में होने चाहिए, ताकि आम आदमी को अपने शरीर की जो जांचें हैं उसका परीक्षण करने का मौका मिल जाता है, और एक ही जगह पर सारे टेस्ट हो जाते हैं, ये सुविधा भी मिल जाती है। उसके अनुकूल वो भविष्य में अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, लोगों को आसानी से ये सुविधा मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम लगने चाहिए हर माह। सोमवार को सुबह देहरादून के राजपुर क्षेत्र के शिखरफाल के पास सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसडीआरएफ और राजपुर थाना पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक पुरुष और महिला की मौत हो गई। वहीं 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य सुखद और सफल हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें तैनात है। यात्रा मार्ग पर तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात किए गए हैं। सभी जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। यात्रा के मुख्य मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर यात्रियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,000 से ज्यादा को उनकी स्क्रीनिंग कर दी गई है। टूटी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर। हरिद्वार का पूरा मामला जमालपुर कला की संगम विहार कॉलोनी में कई दिनों से टूटी हुई सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर कॉलोनी वासियों ने खुशी जताई और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सांसद कल्पना सैनी से अन्य टूटी हुई सड़कों का संज्ञान लेकर जल्द निर्माण कराने की मांग की। जमालपुर कला संगम विहार कॉलोनी फेज 3 में पेयजल लाइन डालने के बाद सड़क में गड्ढे हो गए थे। गड्ढों और जल भराव से स्थानीय लोग काफी परेशान थे। कॉलोनी में स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद अब विकासखंड बादराबाद द्वारा 18.79 लाख रुपए की सांसद निधि से मार्च के महीने में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 2 महीने में सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। आज सुबह थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत स्वामी नारायण आश्रम घाट पर नहाते समय एक व्यक्ति नदी में डूब गया। सूचना पर मौके पर पहुंची जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का नदी में डूबे व्यक्ति की खोजबीन के अभियान जारी है। वहीं जानकारी देते हुए टीम के प्रभारी निरीक्षक कविन सजवान ने बताया कि सुबह टीम को सूचना मिली कि स्वामी नारायण आश्रम घाट पर नहाते समय प्रज्ञेश औंधिस पुत्र स्वर नटवर लाल निवासी 38 एलिमेंट कॉलेज पिनर घूमने के लिए आया हुआ था, जो कि लंदन से वापस आया था। सूचना पर मौके पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम पहुंची है। फिलहाल खोजबीन की जा रही है। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वावधान में ब्रह्म कुमारीज द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रानी दीदी द्वारा चिंता रही जीवन शैली के लिए कई टिप्स दिए गए। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा जिला जज श्रीमती बाबी रानी को बबीता रानी को बुके भेंट कर किया गया। मामला मोट कोतवाली के सामने का है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन की ललितपुर रोडवेज बस कानपुर से झांसी की ओर जा रही थी। जैसे ही बस मोट कोतवाली के सामने पहुंची, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे बस में आग लग गई। यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों द्वारा बस की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई गई। बस की खिड़की से कूदते समय एक वृद्ध और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर मोट में भर्ती कराया गया। वहीं बस में सवार यात्रियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बस में पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। बसें जिले के परसरामपुर थाने के रतनपुर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पत्नी ने अपने पति पर गदाजिस से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने पति के गले पर हमला किया, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पत्नी के गंडासे के एक ही वार से पति की मौके पर ही मौत हो गई। जिस जगह पर डेड बॉडी थी, वहां चारों तरफ खूनी खून फैला था। घटना की वजह जमीन बेचकर शराब में उड़ाए जाने की बताई जा रही है। मृतक खेत बेचकर शराब में पैसा उड़ाता था, जिसकी वजह से आए दिन घरों में विवाद होता था। मृतक राजमणि ने हाल ही में 1 बीघा जमीन 6 लाख रुपए में बेच दी थी। जमीन बेचकर मिले रुपये को शराब पीने में बर्बाद कर रहा था। पत्नी बेचे गए जमीन से मिलने रुपए की मांग कर रही थी। बीती रात 2:30 बजे से करीब दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पत्नी ने गुस्से में आकर पति पर वार कर दिया। थाना परसरामपुर क्षेत्र में एक रतनपुर नाम का गांव है, जहां पर एक महिला के पति से मामूली पैसे को लेने का विवाद हो गया, जिससे महिला ने धारदार हथियार से अपने पति के ऊपर हमला कर दिया। उस हमला से पति के गर्दन और गले पर चोट आई, जिससे मौके पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम की नियमानुसार कार्यवाही संपादित करा रही है। जूता व्यापारियों में इनकम टैक्स का छापेमारी। बीके शूज और मुंश
फुटवेयर पर इनकम टैक्स की छापेमारी ने लगातार हड़कंप मचा दिया है, जिसमें तरलंग शहर की टीम छापेमारी कर रही है। प्रस्थान के अलावा घरों पर भी टीम मौजूद, टैक्स में हेराफेरी, आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली। इनकम टैक्स की टीमें फाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर रही चेक। सिरफरी युवक ने लोहे की रॉड से पत्नी और अधेड़ पर हमला कर दिया। इस घटना में अधेड़ की दर्दनाक मौत, आरोपी युवक की पत्नी गुड्डी की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर लोगों को आता देख आरोपी फरार है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। सोमवार की सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच्ची अचेत हो गई। परिजन उसे सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर में पुलिस का डर लोगों में बिल्कुल खत्म हो गया है, जहां पर अब आए दिन लूट, डकैती, हत्या, मारपीट, छेड़छाड़ जैसी मामले लगातार सामने आते हैं। इससे साफ जाहिर है कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी कागजों में गुडवर्क कर रहे हैं, बाकी धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। ताजा मामला रविवार की रात का है, जहां ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप के मैनेजर से पेट्रोल डलवाने को लेकर पहले कहासुनी हो गई, जिसके बाद मारपीट हो गई। मारपीट वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।